हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रैम्स में हमारे क्या डिफरेंस होता है और कौन से रोम रैम कितने वोल्टेज पे हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, कितने वोल्टेज पे ये चलता है। तो चलिए, हमारे सामने ये पीपीटी में कुछ बना हुआ है रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो हम इसको देखते हैं कि ये कौन से रैम में कितना वोल्टेज पे हमारा रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। तो ये हमारे पास कुछ रैम्स है जिसको आप देख करके भी पहचान सकते हैं, या फिर इसके बहुत सारे तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं जिससे आप इस रैम को पहचान सकते हैं। अगर कोई बोर्ड होता है हमारे पास, तो बोर्ड से हम कैसे जानेंगे कि इस बोर्ड में कौन सा रैम लगेगा, तो उस टाइम हम लोग देखते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर वहां पे वोल्टेज जो हमारा है वो 2.5 वोल्ट है, तो वहां पे कौन सा रैम लगेगा, तो वो DDR1 रैम लगेगा। और उसका जो VTT वोल्टेज होता है वो हमारे रैम के ऑपरेटिंग वोल्टेज के हाफ वोल्टेज होता है। अगर ये वोल्टेज हमारा 2.5 है तो VTT कितना बनेगा, तो 1.25 वोल्टेज। उसी तरीके से DDR2 हमारा है, जैसे ये हमारे पास एक रैम जो दिख रहा है ये DDR2 है, तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, तो रैम को जब आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो उसके ऊपर PC2 PC3 आपको लिखा हुआ देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा PC4 या फिर PC3, तो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है जिससे हमको ये पता चलता है कि इसमें कौन सा रैम है और कौन सा लगेगा। तो ये PC2 PC3 PC3L आपको रैम के ऊपर मिलता है लिखा हुआ, तो उससे ये जान सकते हैं कि ये कौन सा रैम है। और अगर आप बोर्ड को देखेंगे तो बोर्ड में आप अगर देखते हैं तो बोर्ड में आपको वोल्टेज मिलता है, और उसके सॉकेट को भी देख करके आप पहचान सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, दो रैम है, अगर दोनों के सॉकेट को हम मिलाना चाहें तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि एक का कट यहाँ पे बन रहा है, दूसरे का कट यहाँ पे बन रहा है। तो ये DDR2 है और ये DDR3L है, तो इसमें जो हमारा बोर्ड होता है DDR2 के लिए, तो उसमें DDR2 ही आप लगा सकते हैं, DDR3 को नहीं लगा सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे वोल्टेज देखें तो DDR2 है तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज बनेगा 1.8 वोल्ट, DDR3 है तो यहाँ पे बनेगा 1.5 वोल्ट, और DDR3L है तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1.35 वोल्ट, और DDR4 है तो 1.2 वोल्ट बनेगा। DDR5 भी आप बहुत सारे लैपटॉप में आना चालू हो गया तो उसका वोल्टेज बनता है 1.0 वोल्ट। अगर आप वोल्टेज मेजर करते हैं जो रैम के आउटपुट कॉइल होता है वहां पे, अगर 1 वोल्ट बन रहा है तो DDR5 बनेगा, उसके सॉकेट पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। अब रैम से हमारा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसके जो SPD वोल्टेज होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। बाकी अगर आप इसके सिग्नल का नाम देखें तो ये सारे सिग्नल के नाम आपको मिल सकता है, और जो इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो हम इसके कॉइल पे या फिर CPU सॉकेट के जो कट बने होते हैं उसके दूसरे नंबर पिन पे भी चेक कर सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम हमारा आता है वो आपका डेड प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर नो डिस्प्ले प्रॉब्लम, रीस्टार्ट प्रॉब्लम, या ब्लू स्क्रीन, या फिर सम टाइम डिस्प्ले और सम टाइम नॉट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं कार्ड लेवल चिप लेवल, तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग के ट्रेनिंग ले सकते हैं।